आज हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, हम जो आप लोगों के बीच में आए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों का नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र जो है आम जनता से ही है, आप ही लोगों से लोकतंत्र बना हुआ है। लोकतंत्र का सीधा अर्थ जनता से है, तो जनता की भागीदारी से ही आपका सरकार बनता है, आप लोग सरकार बनाते हैं। तो जब आप लोग सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले जब सरकार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, वोट करते हैं। तो वोट कैसे करते हैं, जब आपका मतदाता सूची में नाम होता है। जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होता है वो वोट नहीं कर पाते हैं, उनको इस लोकतंत्र के महापर्व से वंचित रहना पड़ता है। बहुत सारी हम लोग खासतौर से आप लोगों के बीच में आपके जो भी जीविका प्रबंधक हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं जो आप लोगों को ये मैसेज दिए, आप लोग यहाँ पे आए। क्योंकि हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि हमारे विधानसभा में, जिस विधानसभा में हम लोग रहते हैं 33 फजौली विधानसभा, उसमें महिलाओं की प्रतिशत काफी कम है। और जिससे क्या हुआ है कि महिलाओं की प्रतिशत कम होने की वजह से कि हम लोग देखते हैं कि पुरुषों के मुकाबले में आज भी हमारे जो मतदाता सूची है वो आप लोगों की संख्या कम दर्ज है। इसका मतलब ये साफ है कि आप लोगों का नाम कहीं ना कहीं छुटा हुआ है। कुछ लोग अभी ऐसे हैं, आपकी बच्चियां जो 18 साल की हो गई हैं या आपके बच्चे, उनका नाम आप लोग जरूर जोड़वाइए इसमें। और किसी भी तरह का इसमें कई स्तर पे हम लोग नाम जोड़ते हैं। एक तो पीएलओ जो घर घर जाते हैं, दूसरा आप ब्लॉक जाके भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, तीसरा है कि अनुमंडल में भी जाके आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे डेट्स दिए गए हैं जिसमें विशेष कैंप भी आयोजित किया जाएगा, आपके घर घर जाके बीएलओ आपसे फॉर्म भी लेंगे। तो खासतौर से आप लोगों से अपील है, जो जीविका की दीदियां हैं, आप लोग काफी अच्छा काम कर रही हैं। आप लोग घर के पूरी तरह से आप लोग सजग हैं, और इस सजगता का फायदा तभी हो पाएगा जब आप लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाए। तो वोटर लिस्ट में जब तक आपका नाम नहीं जुड़ेगा आप लोग वोट नहीं दे सकते हैं। तो कहीं भी आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, सुधार करवाना है या इस तरह का कोई भी कार्य है, तो आप अनुमंडल कार्यालय या बीएलओ के माध्यम से जो बूथ लेवल पदाधिकारी हैं, जो आपके हर बूथ पे मौजूद रहते हैं, या आपके बगल के किसी स्कूल के टीचर होंगे या फिर आंगनबाड़ी सेविका होंगे, तो इनके माध्यम से आप ये काम करवा सकते हैं। हमें एक और चीज हम बताना चाहते हैं, आजकल लोकतंत्र में खासतौर से ईवीएम पर जो आप लोग चुनाव में भाग लेते हैं, ईवीएम पे क्वेश्चन किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ईवीएम को बताया जा रहा है कि ईवीएम जो है ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो आप लोग ये निश्चित